न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। रोने से इंसान कमजोर होता है, यह गलत बात है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही आखिर में सबसे मजबूत बनता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके अपने आज भी उनके अपने हैं। रिश्ता गहरा हो या न हो, लेकिन विश्वास गहरा होना चाहिए। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख होता है। अपने जीने के वसूल बदल लीजिए, जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं उनके लिए रोना बंद कर दीजिए। किसी की उतनी ही कदर करो जितना वो आपकी करता है। बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आज के समय में अगर किसी से ज्यादा उम्मीद रखोगे तो दिल भी उतना ही ज्यादा दुखेगा। गलत वो नहीं जिन्होंने हमें धोखा दिया, गलत तो हम हैं, हमने उन्हें मौका दिया। जिंदगी में कभी इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाएं, और इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आपकी इज्जत ही खत्म हो जाए। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। छोड़कर जाने वालों के लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं खुद पर गुस्सा आता है। रिश्तों के दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। किसी और को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। दुआ मांगी थी आसियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की, मेरे गम को कोई न समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना आजकल रुपये के लिए इंसान गिर चुके हैं। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सम्मान करना भी होता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। कोई किसी के लिए खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता होता है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वो अपनी जिंदगी में खास जगह देता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। किसी के आगे इतना भी मत झुको कि वो आपको गिरा हुआ समझने लगे। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबाने का कारण होता है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। खाली जेब लेकर कभी निकलो बाजार में, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। मुझे लोगों की हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, इसीलिए मैं लोगों को जहर लगता हूँ। बचा के रखना अपने रिश्तों को दुनिया से, मैंने देखा है खूबसूरत रिश्तों को नजर लगते हुए। जिंदगी में एक ऐसा हम सफर चुनिए जो आपकी बातों से पहले आपकी खामोशी को समझ जाए। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते, और जो बात बात पर क्रोधित होते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते। लोग कहते हैं कि आजकल मैं बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, अब उन्हें क्या पता कि मैं कितने सारे दर्द दिल में छुपा रहा हूँ। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता, और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। जो समझे भी और समझाए भी, इस दुनिया में उस रिश्ते से प्यारा और कोई रिश्ता नहीं होता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखना, क्योंकि लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना कि वो तुम्हारा है ही नहीं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने भी नहीं देते। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सबसे ज्यादा वही रोते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह इग्नोर करना सीख जाओगे। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि यहाँ लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं।
जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परछाई बनने में कहाँ। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। ना हम मीठे हैं और ना ही हम बनने की कोशिश करते हैं, हम तो वो सच हैं जो सबको कड़वे लगते हैं। एक वक्त है जो वक्त पर ही बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने रोज सुनने पड़ते हैं। खुश नसीब होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की भी जरूरत होती है। आप बस पैसा कमाना सीखो, वक्त हमेशा आपके साथ रहेगा। हम जो हैं सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीकों से झलकता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद के मेहनत से ही मिलती है। समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि समय पर समझ नहीं आता और समझ आने पर समय निकल जाता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनजान होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपका परिवार कितना खुश है ये मायने रखता है। जब तक अपनों से धोखा न मिले, तब तक समझ में ही नहीं आता कि जिंदगी क्या चीज है। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्याग दिया उसे आप भी त्याग दो। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, इसीलिए आपको अपने हालात खुद ही ठीक करने होंगे। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, मगर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। उनके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनसे उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, और धन्यवाद करो उस ऊपर वाले का जिसने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी अगर आप सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको गिराकर हराने की कोशिश करते हैं। अजीब शब्द है सॉरी, अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। कैसे इंसान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। उनके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिंदगी में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न लेना पड़े। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा, दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख ऐ दोस्त, अपना वक्त भी आएगा। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबता है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। अगर बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर। विश्वास जीतना बड़ी बात है, और विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो सही हो जाता है, पर बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है, वो बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ करके दिखाने वाले ज्यादा बात नहीं करते। बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को दिखाई कम और सुनाई ज्यादा देता है। दूसरों को दुख देकर अगर तुम खुश हो तो समझ लेना वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी।
मित्र वही है जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही है जो रात को सोने न दे। जो लोग बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनसे ज्यादा सगा आपका और कोई नहीं हो सकता। जो आपके पास है उसका शुक्र मनाओ, क्योंकि किसी किसी के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं होती। जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। बिना मतलब के यहाँ कोई किसी का इज्जत नहीं करता, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करे। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जो इंसान खुद को काबू कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार तो देखिए सागर से भी बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। आनंद वहाँ नहीं मिलता जहाँ धन मिलता है, आनंद तो वहाँ मिलता है जहाँ मन मिलता है। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर, अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है, हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपकी सफलता में आपकी मदद करे, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्तों को कभी दौलत की नज़र से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाले इंसान अक्सर गरीब होते हैं। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश हजार बार करता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया है, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया है। कोई कितने भी दरवाजे बंद कर ले, जिनके दिल में सच्ची चाह होती है वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है ना, उतना किसी के ज्ञान से ऊपर नहीं उठ पाता। न जाने किस बात पे इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। ये कलयुग है साहब, यहाँ लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो जगह जगह पर मौजूद हैं। बंदा खुद की नज़र में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है, सरल शब्दों में जिसे आज कहते हैं। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। याद रखना, चालाकी चार दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। आज के जमाने में तब तक किसी के लिए किसी के पास समय नहीं होता जब तक उनको सामने वाले से मतलब नहीं होता। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उसके अंदर कमी होती है।
गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। हकीकत जान जाओगे तो सब पराए लगने लगेंगे, इसीलिए मन में ये बहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। जब पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, आपकी नहीं। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते भी काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाले नहीं बल्कि शराब पीने वाले ज्यादा सच बोलते हैं। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचेंगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देते हैं वो इंसान आपका कभी हो ही नहीं सकते। कई बार आप किसी चीज का अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चले नहीं जाती। लकड़ी के कीड़े पूरे कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जब इंसान के पास रुपया हो जाता है तो इंसान बहुरुपया हो जाता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़ कर चला जाए। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। जिंदगी में गलत लोगों का आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग ही आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। लोग पहचानते भले नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। कर्ज लेकर परेशान वही होता है जो कर्ज को चुकाने की सोचता है। चापलूसी और छल कपट की कला को आज के समय में होशियार कहा जाता है। आप जितने सच्चाई से रिश्ते निभाओगे लोग उतने ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। तुम सिर्फ पैसे कमाओ, लोग रिश्ते आपसे खुद ही बना लेंगे। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। कभी अकेले में बैठना, जिंदगी और लोग दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धोखा नजरिए का है साहब, वरना हर गलत आदमी भी कहीं ना कहीं सही जरूर होता है। हमारे देश में गरीब ज्यादा नहीं है बल्कि गरीबों का हक खाने वाले बहुत ज्यादा है। जज्बात, जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि आजकल इंसान सीधे मुंह कहाँ सुनते हैं। कुछ बातें आपको तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि वो आपके साथ नहीं होती। संघर्षों के साए में ये जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। तुम जब चाहो तब मुझे आजमा लेना, मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद लाकर देंगे। यदि दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो आपकी कीमत का कम होना बिल्कुल तय है। कोई इंसान अगर एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, दो बार गलती करे तो होता है, इंसान है। मगर अगर वो तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं, उसकी आदत है। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जो दूसरे करे तो चुभते हैं, परंतु खुद करो तो एहसास तक नहीं होता। आईने में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। मरने वाले इंसान को रोने वाले हजार लोग मिल जाएंगे, मगर जो इंसान जिंदा है उसको समझने वाला एक भी शख्स नहीं मिलता। जब किसी रिश्ते में शब्दों की मर्यादाएं टूटने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस रिश्ते का अंत निश्चित है। अगर किसी को जाना है तो जाने दो, रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। आप जवाब देना सीख जाओ, लोग अपने आप औकात में रहना सीख जाएंगे। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो फिर उन्हें कभी परेशान मत करो। रिश्ता चाहे एक साल का हो या दस साल का, उसे टूटने में बस एक पल लगता है। हे भगवान, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर का ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना।
दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हम सफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। भले ही किसी औरत ने ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना करके रखा हुआ है। क्या करोगे तुम मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन मैंने ये रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। मत कर यकीन यहाँ पल भर की मुलाकात पर, जरूरत न हो तो लोग यहाँ सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। अगर आप सफल नहीं हैं तो बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। जरूर मुकरे होंगे लोग जुबान देकर, वरना कागजों की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उन्हें रूठने और टूटने का कोई हक नहीं होता। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे तो अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो तो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो तो। वही करता है वही करवाता है, अरे बंदे तू व्यर्थ में क्यों इतराता है। एक सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि वही सुलाता है और वही जगाता है। मिलकर भले सबसे रहिए, पर किसी से दबकर बिल्कुल भी नहीं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मतलब ना रहे तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। अरे दर्द की तो बात ही मत किया करो, जिसने भी दिया बेमिसाल दिया। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को ही न समझ पाए, वो रिश्तों को क्या समझेगा। तुम छोड़ दो कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ जरूरतों के हिसाब से समय समय पर इंसान बदलते रहते हैं। जमाना उस मोड़ पर आ गया है, जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हम कहते हैं कि जमाना खराब हो चुका है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। जलने वालों की दुआओं से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते, जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। पैसे कमाने में कभी भी इतना बिजी मत हो जाना कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओ। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, किसी की बातों से चोट न पहुँचे इतनी समझदारी रख। पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं है, फिर भी जुबान अपनी प्यारी रख। कभी सोचिए कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है। हम खुद से ही गिरे थे और खुद से ही उठेंगे। अब न किसी का हाथ चाहिए और न किसी का साथ चाहिए। आजकल मतलब है तो ही आपका जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पहले कमाना सीखे। आजकल रिश्तों को बचाए रखने के लिए कभी अंधा कभी बहरा तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वे सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो।